झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे हजारीबाग। वहां उन्होंने समाज सेवियों, पुलिस अधिकारियों एवं पत्रकारों से मांगी मदद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहुंचे हजारीबाग, शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर पदाधिकारियों को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से वो असंतुष्ट हैं और एक सप्ताह का समय दे रहे हैं, इतने में तमाम लोग अपनी स्थिति सुधार लें। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों के लिए उन्होंने कहा कि अभी 29,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, साथ ही 60,000 शिक्षकों की बहाली जल्द की जाएगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। स्थानीय कोर्रा के सरकारी विद्यालय के जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर उन्होंने दूरभाष पर अंचल अधिकारी से बात किया और उन्हें कहा 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा में अमूल्य परिवर्तन देखने को मिल रहा है, परंतु वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने शिक्षकों की कमी होने की बात स्वीकार करते हुए समाज सेवियों, पुलिस अधिकारियों एवं पत्रकारों से निवेदन किए कि यदि आपके पास कुछ समय बचता है तो आप विद्यालय में दें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो वो तुरंत शिक्षा मंत्री को फोन करें, वो उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। आइए अब आपको सीधा सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो, प्रणाम सर। हमारा विद्यालय का, कोर्रा स्कूल का अतिक्रमण कर लिया है। हमको 15 दिन में खाली करने का रिपोर्ट दीजिए और हम कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है? नहीं कर पाए वो भी रिपोर्ट, कर पाए तो वो भी रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। 15 दिन समय लिया आपको, ठीक है? ऐसा है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश कि सभी मंत्री सप्ताह में 2 दिन जिला में जाए और अपने अपने विभाग को समीक्षा करे और समीक्षा के उपरांत जो कमी पाया जाएगा उसको भरपाई करें। तो हमने अभी तो 5 जिला किया है, आज हजारीबाग कर रहे हैं और इस समीक्षा के उपरांत सच्चाई बोलने से जगन्नाथ महतो पीछे नहीं हटता, संतोषजनक समीक्षा नहीं मिला। हमें सभी लोगों को निर्देश दिया कि 1 महीना के अंदर जो आपका काम है, काम का दायित्व संभालिए और पुनः फिर हम 20 तारीख को आएंगे। यदि स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दीजिएगा तो कार्रवाई होगा। ये अभी हजारीबाग में प्रश्न पत्र को लेकर के समय पर इस विषय पर जेट का मामला है, हम जेट अध्यक्ष सचिव से बात करेंगे। कहां गड़बड़ी हुआ है तो मामला पार हो गया, लेकिन जो गड़बड़ी हुआ है तो पर जांच करा के आगे नहीं हो इसके लिए हम कुछ सुनिश्चित करें। क्या झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर आरोपी संतुष्ट है? हमने पहले कहा कि समीक्षा के दौरान हम संतुष्ट नहीं है, दूसरा क्या सकता है? भोजन आवश्यक है या शिक्षा आवश्यक है? देखिए अपने अपने जगह दोनों आवश्यक है। यदि भोजन नहीं करेगा खाली पेट में शिक्षा नहीं कर सकते, और शिक्षा जरूरी है, दोनों अपने अपने जगह आवश्यक है, दोनों जरूरी है। शिक्षा के विकास के लिए आपका पूरा प्लान होता है? शिक्षा के जो विकास है क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो मुझे मिला अभी तक बिहार के समय से अभी तक टीचर का कमी मिला। हमने 26,000 टीचर बहाली, अंतिम रूप
दे दिया गया जो खाली जगह है, और 60,000 टीचर का सीट हमने मैंने किया है, उसका भी फाइल कर दिया 60,000 और 26,000 पैसा जमा किया है, जो पैसा जमा किया है उसको नहीं लगेगा, लेकिन प्रमाण बना होगा कि हम पैसा नहीं, कोई रिसीट, कोई चेक, कोई ड्राफ्ट कुछ दिखाना होगा, दिखा देंगे उसको पैसा नहीं लगेगा। पूर्वक शुरू करते भाई आपको बात हो कस्तूरबा स्कूल झारखंड बच्चियों के एक ग्रेड साबित हुआ, अच्छा साबित हुआ, हम लोग अच्छा करने का हर सब प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का यदि प्रश्न समाप्त हो गया तो हम भी आपसे थोड़ा सा बात करें, अभी आप लोग से एक बड़ा निवेदन, हम प्रशासन पुलिस प्रशासन को भी निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कर रहे हैं, और बोकारो जिला में थाना प्रभारी एसपी तक खाली रहते हैं तो क्लास करते हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे आप लोग भी विद्वान आदमी समय मिले तो कोई स्कूल कैमरा लेकर चल जाएगा ना, तो मास्टर भी चमकल रहेगा, कैमरा चमका वो भी चमकेगा, और आप लोग भी एक घंटी ले लीजिए। मेरा निवेदन है सभी प्रेस वाले आप लोग विद्वान है, कोई भी विषय का क्लास कर सकते हैं, मेरा निवेदन है हम अभी धनबाद जिला का एक उग्रवाद क्षेत्र है नेरो गैट, हम वहाँ देखे पीजी की हुई लड़की फिर में क्लास कर रही थी, लेकिन ये जो प्रक्रिया हम कर रहा है 6 महीना के अंदर टीचर कमी हेमंत सरकार में नहीं होना, ये समस्या दूर करनी, लेकिन आप लोग का सहयोग करें।